हाय फ्रेंड्स, मु नर सिंह। मो यूट्यूब चैनल सिनेरी ओडिशा रे आपण माने को बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, आज आम ए वीडियो रे डिस्कशन करबा टॉप 100 प्लस करंट अफेयर्स जीके ऊपर। तो फ्रेंड्स, एथिरे मु 55 एमसीक्यू लेके आसी, ता सहित 50 प्लस वन लाइनर पीडीएफ लेके आसी करंट अफेयर्स रे। तो फ्रेंड्स, ए वीडियो टी समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। तो फ्रेंड्स, एथिरे किछ मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड्स ऑनर्स एवं अन्य किसी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स नहीं आसती। तो फ्रेंड्स, जो मैंने ओ ट्रिपल एस सी जूनियर आसीस्टाट एवं क्लर्क एवं जो मैंने ओ डबल एस सी आप आयुष आसीस्टाट दौरान से रिसेंटली अल्प किसी दिन भितर एग्जाम हो, तो से बहुत बहुत इंपोर्टेंट रोक। तो फ्रेंड्स, जब वीडियो भल लगे निहतु गोटे लाइक करेंगे और अधिकार अधिक कृपया सांगसाथी मैं सेयार करेंगे। यदि फ्रेंड्स आपने सब्सक्राइब करना एपर्तंत आम चैनल यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा को आपने सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखे बेल आइकन टाकू क्लिक करूँ जहाद्वारा आप नोटिफिकेशन पाइबे सर्वप्रथम। तो फ्रेंड्स, देखो फास्ट क्वेश्चन रही ओडिशार वर्तमान हाइकोर्टर ओडिशा हाइकोर्टर वर्तमान चीफ जस्टिस किए अच्छा। राइट आंसर हो कल्पेश सत्येन्द्र जाभेरी बा सर्टकट के एस जाभेरी। तो फ्रेंड्स, देखो ओडिशा हाईकोर्ट केबे एस्टाब्लीश होई केबे स्थापना करा 26 जुलाई 1948 एवं कौठार अवस्थित ओडिशा हाईकोर्ट को जगार अवस्थित तार लोकेशन होची कटक ओडिशा कटक ठारे अवस्थित। जदि क्वेश्चन आसे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाईकोर्ट, तो तार राइट आंसर है बीरकिशोर राय। बीरकिशोर राय ओडिशा ओडिशा हाईकोर्टर प्रथम मुख्य विचारपति। तो फ्रेंड्स, ये थिले किछ इंपोर्टेंट पॉइंट ए क्वेश्चन रो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हाईकोर्ट आपर गुवाहाटी हाईकोर्टर चीफ जस्टिस किए अच्छा। तो देखो गुवाहाटी हाईकोर्टर चीफ जस्टिस वर्तमान रिसेंटली जॉइन होती अजय लांबा। तो देखो यही गुवाहाटी हाईकोर्ट अंडर आउ कौट जाऊँ देखु आसाम मिजोराम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश ये चारिटा ए हाईकोर्ट अंडर जाऊँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 18th नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंटर शॉर्ट फॉर्म हो नाम सम्मिलन 18th ना शिखर सम्मिलन रे नाम शिखर सम्मिलन भारत किए प्रतिनिधित्व करते। तो राइट आंसर होची एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड रिसेंटली, माने वर्तमान भारत सबुठारु धनी व्यक्ति किए हेले। तो राइट आंसर होची बिल गेट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखु हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मेजरिंग पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड, माने मेजरिंग पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड पुस्तक लेखक किए। तो राइट आंसर होची एंथोनी बी एटकिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही वेयर विल द समर ओलंपिक्स गेम्स हेल्ड 2024 समर सरी वेयर विल द 2024 समर ओलंपिक गेम्स बी हेल्ड, माने 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल केउठारे आयोजित करा जिवो। तो राइट आंसर होची पेरिस फ्रांस, फ्रांस रो पेरिस टारे आयोजित करा जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन हु बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम रो प्रथम महिला प्रधानमंत्री किए बनिले। तो राइट आंसर होची सोफी विल्म्स बेल्जियम प्रथम महिला प्रधानमंत्री हेले। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कंपनी हैज गॉट द स्टेटस द महारत्न कंपनी, माने वर्तमान रिसेंटली केउ कंपनी महारत्न कंपनी रो दर्जा दिया गला। तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी HPCL एंड PGCIL। HPCL आपण जानते हिंदुस्तान पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं PGCIL आपण मानकर ये आमर करंट पाई कंपनी इलेक्ट्रिक कंपनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच स्टेट हैज स्टार्टेड ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन, केउं राज्य ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन आरंभ कला। राइट आंसर होची ओडिशा सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन री इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ मोजाम्बिक, किए पुनर्बार मोजाम्बिक्र राष्ट्रपति रूपे निर्वाचित हेले। तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए फिलिपे न्यूसी रिसेंटली मोजाम्बिक्र पुनर्बार राष्ट्रपति रूपे निर्वाचित हेले। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज ओन गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड डीप टेनिस चैंपियनशिप,
किए विश्व बधिर डेफ टेनिस चंपियनशिप रे स्वर्ण पदक जीतिले? तो राइट आंसर होची पृथ्वी शेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन सोन इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? हरियाणार मुख्यमंत्री रूपे किए शपथ नेले? तो राइट आंसर होची मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर रिसेंटली सेकंड टाइम पाए सेकंड टर्म पाए से हरियाणार मुख्यमंत्री शपथ रूपे शपथ नेले। नेक्स्ट क्वेश्चन, आल्बर्टो फर्नांडिज विल बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? आल्बर्टो फर्नांडिज क्यों देशर नुआ राष्ट्रपति हेबे? तो वर्तमान हो सारी यहाँ आगर मुझे बनती पीडीएफ, तो किए बनिले? तो राइट आंसर हो आर्जेंटीनार राष्ट्रपति बनिले आल्बर्ट फर्नांडिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच एजुकेशन बोर्ड लॉन्च्ड तमन्ना टेस्ट फॉर क्लास नाइन्थ और टेन्थ स्टूडेंट्स? कि रिसेंटली क्यों एजुकेशन बोर्ड नवम दशम श्रेणी पिलांक पाई तमन्ना टेस्ट लॉन्च कला? तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी, माने सीबीएसई एवं एनसीईआरटी दुई जना मिलिकी एही तमन्ना टेस्ट नवम और दशम श्रेणी पिला मानक पाई लॉन्च कले। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कम्युनिटी हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स न्यू ईयर बेस्तु बरस? माने क्यों समाज समुदाय निजर नुआ वर्ष बेस्तु बरस पालन कले? माने राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर वन गुजराती। गुजराती लोक माने रिसेंटली से गुजराती न्यू ईयर जार ना रहुची बेस्तु बरस सेटा से पालन कले। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेयर डिड द 29th बेसिक कंट्रीज मिनिस्ट्रियल मीटिंग टेक प्लेस रिसेंटली? କେଉଁଠାରେ 29ତମ ବେସିକ୍ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ବେସିକ୍ ଦେଶମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବେଜିଂ ଚାଇନା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଗଲ୍ଫର ହେଜ୍ ଓନ୍ ଜୋଜୋ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍? କେଉଁ ଗଲ୍ଫ ଖେଳାଳି ଜୋଜୋ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଖିତାବ ଜିତିଲେ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଟାଇଗର ଉଡ୍ସ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ରିସେଣ୍ଟଲି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଫର୍ ଦ T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍? ମାନେ କେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲା? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପପୁଆ ନ୍ୟୁଗୁନିଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରିସେଣ୍ଟଲି ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ୱାଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଦ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ନେମ୍ଡ କୁକୁର ତିହାର? ରିସେଣ୍ଟଲି କେଉଁ ଦେଶରେ କୁକୁର ତିହାର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଗଲା? ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ କେଉଁ ଦେଶରେ କୁକୁର ତିହାର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ନେପାଳ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS? माने भारतीय मानक संस्था बा BIS रो महानिर्देशक रूपे कहा को नियुक्ति करागला? तो राइट आंसर हो प्रमोद कुमार तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ओन द मेक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स 2019 फॉर्मूला नंबर वन रेस? तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी लेविस हैमिल्टन। मेक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स 2019 फॉर्मूला वन रेस रिसेंटली लेविस हैमिल्टन जीति छंती। तो फ्रेंड्स एटा 2019 हे एटा मिस्टेक हो जाए। तो फ्रेंड्स देखंतु ये होची आपन माने टी मिस्टेक हो जाए, ये होची 2019। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस एम्बेसडर केनेथ इयान जस्टर हैज इनॉग्रेटेड विच फेस्टिवल इन इंडिया? अमेरिका राजदूत जहाँ नाम रही केनेथ इयान जस्टर से भारत में क्यों पर्वर उद्घाटन कले? तो राइट आंसर होची तवांग फेस्टिवल। तवांग फेस्टिवल को से उद्घाटन कले। नेक्स्ट क्वेश्चन रही निर्मल पूर्जा हैज क्लाइम्ड द वर्ल्ड्स 14th हाईएस्ट पिक्स इन जस्ट 7 months? हि बिलंग्स टू हिज कंट्री? माने निर्मल पूजा केवल 7 मास मध्ये दुनिया सबठारु 14टी उच्चा पर्वतर शिखर को आरोहण करी रेकर्ड बनिले, से केउ देशर व्यक्ति? तो राइट आंसर होती नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA? तो देखंतु रिसेंटली किए आंतर्जातिक परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA रो महानिर्देशक रूपे कहा को नियुक्ति करागला? तो राइट आंसर होची राफेल मारियानो ग्रोसी। राइट आंसर होची राफेल मारियानो ग्रोसी। तो देखो तो राफेल मारियानो ग्रोसी रिसेंटली आपन माने करो राफेल मारियानो ग्रोसी। तो फ्रेंड्स ये होची आपन माने करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन विच स्टेडियम इंडिया फर्स्ट डे नाइट टेस्ट विल बी हेल्ड, भारत प्रथम डे नाइट टेस्ट मैच क्यों स्टेडियम रे खेला जिवो। तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर वन ईडन गार्डन स्टेडियम, कोलकाता रे ईडन गार्डन स्टेडियम रे प्रथम थर पाई भारत डे नाइट टेस्ट मैच खेला जिवो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री रिलीज्ड ए न्यू कॉइन द ओकेजन ऑन द ओकेजन ऑफ 550 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बाबा गुरु नानक देव, क्यों देश बाबा गुरु नानक देव 550तम जयंती अवसर रे एक मुद्रा जारी कला। तो राइट आंसर होची पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हेज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू एनाक्ट ए लॉ ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्यों राज्य चुक्तिभित एक कानून अधिनियम जारी करिवार प्रथम राज्य। तो फ्रेंड्स यही क्वेश्चन आपश्चित रूप यार आंसर करंट आंसर आपने कमेंट सेक्शन में दिंतु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंस व्हेन डिड जम्मू एंड काश्मीर एंड लद्दाख कम इन टू एक्सटेंस एज ए यूनियन टेरिटोरी, केबे जम्मू काश्मीर एवं लद्दाख जम्मू काश्मीर एवं लद्दाख केबे ठारु केन्द्रशासित अंचल रूपे अस्तित्व रे आसिला। तो फ्रेंड्स एटा मध्ये आपण माने यार करंट यार कमेंट बॉक्स रे आपण माने कौन हम आंसर राइट आंसर आपण माने निश्चित रूपे कमेंट सेक्शन रे दियंतु, काहेकि ना या पूर्वरु ए सब क्वेश्चन रो आंसर मु करि सारिछि ऑलरेडी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही एमसीक्यू सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन इज द वर्ल्ड सिटीज डे सेलिब्रेटेड, केबे विश्व सहर दिवस पालन करागला। तो राइट आंसर होची आपण मानकर डिसेंबर सॉरी अक्टोबर 31 अक्टोबर 31 आपण मानकर अक्टोबर 31 होची करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स यार थीम कौन थिला देखंतु यार थीम थिला चेंजिंग द वर्ल्ड यार थीम थिला, जदि क्वेश्चन भी एमिती आसी पारे आपण माने 2019 रो विश्व सहर दिवस पालन करागला तार थीम कौन थिला। तो राइट आंसर हे जीवा आपण माने चेंजिंग द वर्ल्ड इनोवेशन एंड बेटर लाइफ फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्रमोद कुमार पवन कुमार एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री, पवन कुमार अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सॉरी एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री, माने पवन कुमार केउ देशर एम्बेसडर रूपे नियुक्ति हेले। तो राइट आंसर होची आपण मानकर यूएई रो एम्बेसडर रूपे बा राष्ट्रदूत रूपे पवन कुमार नियुक्ति हेले। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच स्टेट ऑफ से विच स्टेट पार्टनर विथ अब्दुल लतीफ जमीर एक्शन लाभ बा जेपाल को फाउंडेड बाय नोबेल लोरेट अभिजीत बानर्जी, माने क्यों राज्य नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बानर्जी सह संस्थापित अब्दुल लतीफ जमील एक्शन लाभ रो भागीदारी बनब। तो राइट आंसर होची उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन द 35th एशियन समिट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री, क्यों देश में 35तम एशियन शिखर सम्मेलन रा आयोजन करागला। तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड, आपण मानकर थाईलैंड होची राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन अवार्डेड यूथ आइकन अवार्ड बाय इंपीरियल कॉलेज लंडन, क्या लंडन रे इंपीरियल कॉलेज द्वारा यूथ आइकन पुरस्कार से सम्मानित करागला। तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी विद्याबालन, विद्याबालन को लंडन रे इंपीरियल कॉलेज द्वारा यूथ आइकन पुरस्कार से सम्मानित करागला। नेक्स्ट क्वेश्चन हु विल बी अवार्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 5th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, तो देखंतु 50तम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया बा इफी रे कहा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रे सम्मानित करागला। तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी इसाबेल हुपवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हु हैज बीन रिसेंटली सिलेक्टेड फॉर द इटालियन गोल्डन सेंड आर्ट अवार्ड 2019, इटालियन गोल्डन सेंड आर्ट अवार्ड 2019 पे कहा को चयन करागला। तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए सुदर्शन पटनायक। तो फ्रेंड्स यही क्वेश्चन आपण मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट कहीं ओडिशा तो से आपशा एग्जाम आसवर बहुत संभावना रही।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच कंट्री ओन 2019 रग्बी वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग इंग्लैंड क्यों देश इंग्लैंड को परास्त कर 2019 रग्बी विश्वकप जीतला तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए साउथ अफ्रीका नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर विल बी द बम्बू टेक्नोलॉजी पार्क बिल्ट क्यों थारे बाउंस प्रयोग विज्ञान पार्क निर्माण करा जीवो तो राइट आंसर होची बोथ ए एंड बी जम्मू काश्मीर एवं लद्दाख रे नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटोरी ऑफ द कंट्री बाय एरिया देखो क्षेत्रफल दृष्टि आम देशर सबुठ बड़ केन्द्रशासित अंचल केउटी तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी लद्दाख तो फ्रेंड्स ये हूँ आप स्टैटिक जेके तो ये आउ चेंज होबार नहीं तो यही क्वेश्चन आप मोस्ट इंपोर्टेंट आपण एग्जाम 100% आसवर चान्स रही कहीं यहाँ रिसेंटली बर्तमान लद्दाख गोटे बनला केन्द्रशासित अंचल तो सी सब बड़ केन्द्रशासित अंचल बर्तमान बनला या पूर्व दिल्ली थिल्ला तो बर्तमान क्षेत्रफल दृष्टि आम देश सब बड़ केन्द्रशासित अंचल हूँ लद्दाख नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट मध्यप्रदेश हाईकोर्टर नुआ मुख्य न्यायाधीश रूप किए निजुक्ति होती राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए अजय कुमार मित्तल तो फ्रेंड्स देखते अजय कुमार मित्तल होती यही फोटो तर अजय कुमार मित्तल से रिसेंटली मध्यप्रदेश हाईकोर्टर मुख्य विचारपति रूप निजुक्ति हेले नेक्स्ट क्वेश्चन होची हाउ मच विल बी स्पेंट फॉर द स्टैच्यू एंड डिजिटल म्यूजियम ऑफ लॉर्ड राम इन अयोध्या अयोध्या भगवान राम मूर्ति बनाजीव और डिजिटल संग्रहालय बनाजीव से केते टंका खर्च करा जीव तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी 446.46 crore 446.46 crore टंका खर्च करा जीव नेक्स्ट क्वेश्चन हु रोट द बुक आई एम ए स्ट्रेंजर हेयर माइसेल्फ आई एम ए स्ट्रेंजर हेयर माइसेल्फ नामक पुस्तक किए लिखिंट राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए भाईचांद पटेल नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच स्टेट विल इंप्लीमेंट ए सोशल सिक्योरिटी स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर जर्नलिस्ट क्यों राज्य पत्रकार मानक आर्थिक सहायता प्रदान करने पत्रकार मानक एक सामाजिक सुरक्षा योजना लागू कर राइट आंसर होची वेस्ट बेंगल नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेस किए आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेस महानिर्देशक रूप नियुक्त होती राइट आंसर होची अनूप बानर्जी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री बाय एरिया क्षेत्रफल दृष्टि आम देश सबुठ बड़ जिला केउटे यहाँ आपश्चिटी आप मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट देखो क्षेत्रफल दृष्टि बर्तमान आम देश सबुठ बड़ जिला केउटे यह पूर्व आपर थी कच्छ जिला जब आपर जम्मू काश्मीर और लद्दाख दुईट अलग केन्द्रशासित अंचल करापर आपर सबुठ बड़ जिला है आपर लेह लेह हूँ सबुठू आम देश क्षेत्रफल दृष्टि लेह हूँ सब बड़ जिला नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज रिसेंटली वोन जेसीबी अवार्ड फॉर लिटरेचर 2019 साहित्य पई 2019 जेसीबी लिटरेचर पुरस्कार किए जीति तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी माधुरी विजय रिसेंटली माधुरी विजय को 2019 जेसीबी अवार्ड फॉर लिटरेचर पई दिया जाय तो फ्रेंड्स जेसीबी अवार्ड सबुठ आम देश अधिका मनी दिया जाए प्राइज मनी 25 लाख टंका नेक्स्ट क्वेश्चन हु विल बी ऑनर्ड विथ द 27th एजुथाचन अवार्ड 2019 कहाँ को 2019 एजुथाचन पुरस्कार सम्मानित करागला ये हूँ 27th एजुथाचन अवार्ड कहाँ को दियागला तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए आनंद आनंद को 2019 एजुथाचन पुरस्कार सम्मानित करा बर्तमान सिलेक्ट कर दिजाव तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच डॉक्यूमेंटरी फिल्म ऑफ इंडिया हैज ओन द बाप्टा स्कॉटलैंड अवार्ड 2019 भारतर क्यों डॉक्यूमेंटरी फिल्म 2019 बाप्टा स्कॉटलैंड अवार्ड जीतिला तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए रियल काश्मीर एफसी नेक्स्ट क्वेश्चन अंजनी कुमार विल बी द नेक्स्ट अंबासडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री अंजनी कुमार क्यों देश में आगामी राष्ट्रदूत रूप नियुक्ति हेबे तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी माली नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर इंडिया होस्ट द कॉन्फ्रेंस नो मनी फॉर टेरर भारत क्यों वर्ष नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन आयोजन कर राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी
2020 2020 मसीह रे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन इज नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, प्रति वर्ष केबे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पालन करा जाए, तो राइट आंसर होची 11 नवंबर 11 नवंबर प्रति वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस रूप पालन करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच स्टेट विल वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल बी बिल्ट, विश्वर प्रथम सीएनजी टर्मिनल क्यों राज्य में निर्माण करा जिवो, तो राइट आंसर होची गुजरात, गुजरात रो क्यों जगह, तो भावनगर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बिकम द यंगेस्ट इंडियन बैट्समैन टू स्कोर ए हाफ सेंचुरी इन इंटरनेशनल क्रिकेट, आंतर्जातिक क्रिकेट रे अर्धशतक हासिल करथिबा सबुठ कम बयसर भारतीय बैट्समैन किए बनिले, तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए शेफाली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन होची चिंकी यादव इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स, चिंकी यादव क्यों खेल सह संबंध रही क्यों खिलाड़ी, तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंडियन हैज ओन गोल्ड मेडल इन जैवलिन थ्रो एट द वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, विश्व पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप रे क्यों भारतीय जैवलिन थ्रोर गोल्ड मेडल जीति, तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए संदीप चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड साइंस डे एवरी ईयर फॉर पीस और डेवलपमेंट, माने शांति एवं विकास पाई प्रति वर्ष केबे विश्व विज्ञान दिवस पालन करा जाए, तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए 10th December 10 December प्रति वर्ष शांति और विकास पाई विश्व विज्ञान दिवस पालन करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजर ऑफ गूगल इंडिया, न्यू कंट्री मैनेजर ऑफ गूगल इंडिया, रिसेंटली गूगल इंडिया नुआ कंट्री मैनेजर रूप किए नियुक्ति पाई, राइट आंसर होची संजय गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी इंपोर्टेंट अवार्ड एवं ऑनर्स उपरे, तो देखंतु विंडहम कैंबल प्राइज 2019 विजेता किए, तो राइट आंसर होची रघु कर्नाड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2019 विजेता किए, तो राइट आंसर होची आपण मानकर देखंतु मधुर भंडारकर फिल्म मेकर पई, सलीम खान स्क्रिप्ट राइटर पई एवं हेलेन डांसिंग डाइवा पई, एही क्षेत्र रे एही तीन जन को दिया जाय छी आपण मानकर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, कहा कक मिल छी मधुर भंडारकर सलीम खान एवं हेलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन होची नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड 2019 कहाँ को दे जाए, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड 2019 प्रदान करा जाए रामनाथ कोविंद को, द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ गुएनिया, देखो तो गुएनिया रिपब्लिक बा गणतंत्र रो एडा सबटरो हाईएस्ट सर्वोच्च सम्मान होची नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड 2019 एटा रामनाथ कोविंद को पुरस्कृत करा जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लता मंगेशकर अवार्ड 2019 रो विजेता किए, तो राइट आंसर होची उषा खन्ना, उषा खन्ना इज द विनर ऑफ 2019 लता मंगेशकर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2019 विनर, तो देखो 2019 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड विजेता होती के सीवान, इसरोर हेड होती के सीवान, से रिसेंटली अब्दुल एपीजे कल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन होची ऑर्डर ऑफ जायद 2 फर्स्ट क्लास अवार्ड विजेता किए, देखो ऑर्डर ऑफ जायद 2 फर्स्ट क्लास अवार्ड 2019 विजेता होती नवदीप सिंह पुरी, नवदीप सिंह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डेनिकाय ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2019 डेनिकाय ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2019 विजेता किए, तो राइट आंसर होची प्रियंका चोप्रा बाय यूनिसेफ, यूनिसेफ द्वारा तांको सम्मानित करा जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपण माने पाई गांधी पीस प्राइज 2018 विजेता किए, तो राइट आंसर होची योहेई सासाकावा जापान रो, जे कि जापान रो जने पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही मिसाइल सिस्टम्स अवार्ड 2019 मिसाइल सिस्टम्स अवार्ड 2019 विनर किए, तो राइट आंसर होची जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी होचंदे डीआरडीओ रो चीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु ओन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन 2019 आईफा अवार्ड 2019 बेस्ट एक्टर अवार्ड विजेता किए, तो राइट आंसर होची रणबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु ओन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन 2019 आईफा अवार्ड, तो फ्रेंड्स यहाँ मुझे पुणि थे रिपीट कर दूँ, राइट आंसर होची रणबीर सिंह, तो आईफा अवार्ड बेस्ट एक्टर अवार्ड विजेता होती रणबीर सिंह, यहाँ आप मोस्ट इंपोर्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
ଆଇସିସି ଓମେନ୍ସ ଓଡ଼ିଏ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ଇୟର 2019 କିଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସ୍ମୃତି ମାନ୍ଧାନା। ଚମେଲି ଦେବୀ ଜୈନ ଆୱାର୍ଡ 2018 ବିଜେତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦୁବେ। ରମନ ମେକ୍ସେସ୍ ଆୱାର୍ଡ 2019 ବିଜେତା ହେଉଛନ୍ତି ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରବିଶ କୁମାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପିସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ 2018 ୱିନର ହେଉଛି ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏହାର ସର୍ଟ ଫର୍ମ ରହିଛି CSE। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସଦ୍ଭାବନା ଆୱାର୍ଡ 2019 ୱିନର ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗାନ୍ଧୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଗ୍ଲୋବାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆୱାର୍ଡ 2018 ୱିନର ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ କୁମାର, ଯିଏକି ସୁପର 30ର ଫାଉଣ୍ଡର। ତୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫ୍ୟୁଚର ପଲିସି ଗୋଲ୍ଡ ଆୱାର୍ଡ 2018 ୱିନର ହେଉଛନ୍ତି ସିକିମ୍ ଷ୍ଟେଟ, ଇଣ୍ଡିଆର ସିକିମ୍ ଷ୍ଟେଟ। କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ନା, ୱାର୍ଲଡ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ଟୋଟାଲ ଅର୍ଗାନିକ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଷ୍ଟେଟ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, କାଳିଦାସ ଆୱାର୍ଡ 2018 ୱିନର କିଏ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆଞ୍ଜଲି ଇଲା ମେନନ୍ ଫର୍ ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟ ପାଇଁ କାଳିଦାସ ଆୱାର୍ଡ 2018 ଦିଆଯାଇଛି ଆଞ୍ଜଲି ଇଲା ମେନନ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଫାଷ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ୱାର୍ଲଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରାଇଜ୍ 2018 ୱିନର କିଏ? ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ୱିନର ଅଫ୍ ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରାଇଜ୍? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ MS ସ୍ୱାମୀନାଥନ। ତ MS ସ୍ୱାମୀନାଥନ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, MS ସ୍ୱାମୀନାଥନ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ହରିତ କ୍ରାନ୍ତିର ଜନକ ବା ସବୁଜ କ୍ରାନ୍ତିର ଜନକ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, 2018 ୱାର୍ଲଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରାଇଜ୍ ୱିନର 2018 କିଏ? ତ ଆପଣମାନଙ୍କର MS ସ୍ୱାମୀନାଥନ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରାଇଜ୍ ୱିନର କିଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ MS ସ୍ୱାମୀନାଥନ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଆୱାର୍ଡ 2018 ୱିନର କିଏ? ତ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ 2018 ୱିନର ହେଉଛନ୍ତି ଏନ୍ ରାମ, ସେ ଜଣେ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, 2019 ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ରାଜା ରାମମୋହନ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୁଲାବ କୋଠାରୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଟାନସେନ୍ ଆୱାର୍ଡ 2018 ୱିନର କିଏ? 2018 ଟାନସେନ୍ ଆୱାର୍ଡ ୱିନର ହେଉଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁ ମେହେତା, ଜଣେ ସିତାରିଷ୍ଟି ସିତାର ବାଦକ। ତ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ଏମିତି ବି ଆସିପାରେ, ଟାନସେନ୍ ଆୱାର୍ଡ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଫର୍ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ମାନେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟାନସେନ୍ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଇଟା ଦିଏ? ତ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ପ୍ରିଜ୍କର ପ୍ରାଇଜ୍ 2018 ୱିନର କିଏ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣା ଦୋଷୀ, ଏବଂ ହାଏଷ୍ଟ ଅନର୍ ଅଫ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଆଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଚମ୍ପିଅନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଏର୍ଥ ଆୱାର୍ଡ ବିଜେତା କିଏ? ଚମ୍ପିଅନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଏର୍ଥ ଆୱାର୍ଡ ବିଜେତା କିଏ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରୋନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଚମ୍ପିଅନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଏର୍ଥ ଆୱାର୍ଡ। ତ ଏଇଟା କିଏ ଦେଇଛି ନା, UNEP, ଆପଣମାନଙ୍କର ଦ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଏଇ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଏ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ତ କେଉଁ ବର୍ଷ ଦିଆଯାଇଛି ନା, 2018 ଦିଆଯାଇଛି। ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ଚମ୍ପିଅନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଏର୍ଥ ଆୱାର୍ଡ ୱିନର କିଏ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ୍ରିଉସ୍ ଆୱାର୍ଡ ବିଜେତା କିଏ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ୍ରିଉସ୍ ଆୱାର୍ଡ ବିଜେତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି? ରୁଷ କଣ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁ ବର୍ଷ? 2019। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ଯାହା କିଛି ଦିଆଯାଇଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଆୱାର୍ଡ଼ ଆସିପାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ଘାଜୀ ଅମୀର ଅମାନୁଲ୍ଲା ଖାନ ଆୱାର୍ଡ ବିଜେତା କିଏ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଦେଇଛି, କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କଣ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ଘାଜୀ ଅମୀର ଅମାନୁଲ୍ଲା ଖାନ ଆୱାର୍ଡ ହେଉଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିଭିଲିଆନ୍ ଆୱାର୍ଡ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ଜାଏଦ ଆୱାର୍ଡ ବିଜେତା କିଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏବଂ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି ନା, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ UAE। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଅଜିଜ୍ ଅଲ୍ ସୌଦ ଆୱାର୍ଡ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଛି? ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଅଜିଜ୍ ଅଲ୍ ସୌଦ ଆୱାର୍ଡ
ସାଉଦି ଆରବିଆ କଣ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି? ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଏକ୍ଜାମ୍, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରାୟ 15ଟି ଖଣ୍ଡେ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ତ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆୱାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି, ଗ୍ରାଣ୍ଡ କଲର୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ବିଜେତା କିଏ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଉ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଛି? ତ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଛି। ତ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ତ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମହମ୍ମଦ ଆବ୍ବାସ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଗୋଲକିପର ଆୱାର୍ଡ଼ 2019ର ୱିନର କିଏ? ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଗୋଲକିପର ଆୱାର୍ଡ଼ 2019ର ୱିନର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ୱିନର ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା? ତ ବିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଲିଣ୍ଡା ଗେଟ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଦ୍ୱାରା, ବିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଲିଣ୍ଡା ଗେଟ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଦ୍ୱାରା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ, ରିଜନ୍ କ'ଣ ନା, ଫର୍ ଲିଡରସିପ୍ ଅଫ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ଲିଡରସିପ୍ ଯୋଗୁଁ, ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଏଇ ଆୱାର୍ଡ଼ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଫିଲିପ କୋଟଲର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଆୱାର୍ଡ଼ 2019ର ୱିନର କିଏ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହେଉଛନ୍ତି ଫିଲିପ କୋଟଲର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଆୱାର୍ଡ଼ 2019ର ୱିନର, ଏବଂ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ବି ଆସିପାରେ, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ରିସିପିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫିଲିପ କୋଟଲର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଆୱାର୍ଡ଼? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଇୟର୍ ଦେଇଦିଅ, 2019 ଫିଲିପ କୋଟଲର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଆୱାର୍ଡ଼ ୱିନର କିଏ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ପିସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ 2018ର ୱିନର କିଏ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସିଓର ପିସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ସରି, ସିଓର ପିସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ 2018ର ୱିନର ହେଉଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତାଙ୍କୁ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଛି? ତ ସାଉଥ କୋରିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ସିଓର ପିସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍। ତ ଫର୍ ମୋଦି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପାଇଁ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଦ୍ୱାରା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସିଓର ପିସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ 2018ରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ବେହରିନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ୱିନର କିଏ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ବେହରିନ୍ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେହରିନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ବିଜେତା କରାଯାଇଛି ୱିନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ନିଶାନ ଇଜାଦ୍ଦିନ ଆୱାର୍ଡ଼ ୱିନର କିଏ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏବଂ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି? ମାଲଡିଭ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ନିଶାନ ଇଜାଦ୍ଦିନ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଦ କିଙ୍ଗ ହମାଦ ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ରେନେସାନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ଼ ୱିନର କିଏ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବେହରିନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ଦ କିଙ୍ଗ ଅର୍ଡ଼ର ହମାଦ ଅଫ୍ ଅର୍ଡ଼ର ରେନେସାନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼ 2019ର ୱିନର କିଏ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼ 2019ର ୱିନର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ, ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନାନାଜୀ ଦେଶମୁଖ, ଜଣେ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ, ଯିଏକି ମରଣପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଛନ୍ତି, ମରିଲା ପରେ ପାଇଛନ୍ତି ନାନାଜୀ ଦେଶମୁଖ। ଏବଂ ଭୂପେନ ହଜାରିକା, ସିଏ ବି ଆସାମିଜ ସିଙ୍ଗର, ସିଏ ବି ମରିଲା ପରେ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର OSSC ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥିଲା ଭୂପେନ ହଜାରିକା, ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗର ଥିଲା, ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଭୂପେନ ହଜାରିକା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯେ ଫାଷ୍ଟ ରିସିପିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫାଷ୍ଟ ରିସିପିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭାରତରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼ ବିଜେତା 1954ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀ ରାଜଗୋପାଳ ଆଚାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସିଭି ରମଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଫୁଟବଲ ରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼ 2019ରେ ୱିନର ହେଉଛନ୍ତି ସୁନୀଲ ଛେତ୍ରୀ, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଗ୍ଲୋବାଲ ଟିଚର ପ୍ରାଇଜ୍ 2019ର ୱିନର କିଏ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପିଟର ତାବିଜି କେନିଆ। 2019ର ଗ୍ଲୋବାଲ ଟିଚର ପ୍ରାଇଜ୍ ୱିନର ହେଉଛନ୍ତି ପିଟର ତାବିଜି କେନିଆ। କ୍ୟାନେଟ ପ୍ରାଇଜ୍ 2019ର ୱିନର ହେଉଛନ୍ତି ପିୟୁଷ ଗୋୟଲ। କମନୱେଲ୍ଥ ୟୁଥ ଆୱାର୍ଡ଼ 2019ର ୱିନର ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମନାଭନ ଗୋପାଳନ। ଏବେଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ 2019ର ୱିନର ହେଉଛନ୍ତି, ନୋବେଲ ଫର୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ମ୍ୟାଥ୍ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି, ମ୍ୟାଥ୍ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି, ଏଇଟା ନୋବେଲ ମ୍ୟାଥ୍ର ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଉଛି। ଏଇଟା କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ନା, କରେନ୍ ଉଲହେନବେଗ, ଯିଏକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ରିସିପିଏଣ୍ଟ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ वीरचक्र 2019 विनर होती विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ अशोक चक्र 2019 विनर होती नाजीर अहमद वानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ प्रिजकर प्राइज 2019 विनर होती आराता इशोजाकी जी कि जापान रो आर्किटेक्ट क्षेत्र में दि जाए प्रिजकर प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड 2019 विनर होती दिव्या कर्नाड। दिव्या कर्नाड हूँ फास्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव फ्यूचर ऑफ नेचर अवार्ड फॉर मेरेन कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ मोहन बागान रत्न अवार्ड 2019 विनर किए तो राइट आंसर हूँ केशव दत्त हॉकी दि जाएगी और प्रसून बानर्जी फुटबॉल दि जाएगी। यही दुजण को मोहन बागान रत्न 2019 अवार्ड में सम्मानित कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019 विनर किए तो राइट आंसर हूँ बजरंग पुनिया रेसलिंग और दीपा मल्लिक पारा एथलेटिक्स। यही दुजण राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019 दि जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ ग्लोबल टीचर प्राइज 2019 पूर्व मुझे कही सारी तो फ्रेंड्स देखूँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये सब ऑलरेडी मुझे कही सारी तो ये किसी इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन तो फ्रेंड्स देखूँ एवं देखनी आपण मानक प्रिजकर प्राइज 2018 ये भी ऑलरेडी कही सारी तो ज्ञानपीठ अवार्ड 2017 किए पाई हिंदी कृष्णा सोप्ति 2018 इंग्लीश फिक्शन पाई अमिताभ घोष 2018 ज्ञानपीठ अवार्ड विनर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्यास सम्मान 2017 विनर होती ममता कालिया लिखित पुस्तक सुखम दुखम दि जाता 2018 व्यास सम्मान पुरस्कार विजेता होती लीलाधर जगुड़ी तर पुस्तक हूँ जितने लोग उतने प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही सरस्वती सम्मान 2017 विनर किए तो राइट आंसर सीतांशु यशचंद्र जी कि वखार 2018 जो पाई एवं रिसेंटली दि गाला 2019 दि गाला 2018 विजेता को 2019 सम्मानित करागला तो से होंगे के शिवा रेड्डी तर पुस्तक हूँ पकाकी ओटी गिलेटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही वेस्ट बेंगल टू गफ्ट स्कीम विन कौ दुटा गफ्ट स्कीम विन कर यूएन अवार्ड 2019 तो राइट आंसर सबु साथी एवं उत्कर्ष बांग्ला ए दुटा बंगाल गफ्ट स्कीम यूएन अवार्ड सम्मानित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन एजुकेशन अवार्ड 2018 विजेता होती एम मुकुंद आनंद आनंदन एम मुकुंदन 2019 मुझे कहली आनंद पाई 2018 पाई एम मुकुंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र साहित्य अकाडमी अवार्ड 2018 विजेता होती हिंदी चित्रा मुदगल पोस्ट बॉक्स नंबर 3 नाला सुपारा यही पुस्तक यही उपन्यास दशरथी दासगुप्ता ओडिया प्रसंग पुराणा भावना नुआ यही पुस्तक दशरथी दास को ओडिया क्षेत्र में ओडिया लांगुएज केन्द्रीय साहित्य अकाडमी अवार्ड दि जाए 2018 तो ये आपण मोस्ट इंपोर्टेंट रहिब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड 2018 विजेता होती आशा भोसले पल्ली उमरगिरी अवार्ड 2018 विजेता विराट कोहली निकी एशिया अवार्ड 2018 विजेता होती जापान प्रेस्टिजियस ऑनर एडा एडा डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी कि सुलभ इंटरनेशनल रो संस्थापक ताकू प्रदान करा जाए छी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखो ये सब ऑलरेडी कही सारी तो आज लास्ट क्वेश्चन रही हु अपॉइंटेड एज द 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारतर 47वां मुख्य न्यायाधीश रूपे किए निजुक्ति होती तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी शरद अरविंद बोबड़े। तो फ्रेंड्स ये किसी इंपोर्टेंट इनफर्मेशन जब भिडियो भल लगी निहत गोटे लाइक करेंगे और अधिकार अधिक कृपया सांगे साथी मैं शेयर करेंगे। हाँ फ्रेंड्स जब आप पीडीएफ चाहते हैं टेलीग्राम चैनल जॉइन करके आप पीडीएफ पाइपे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।